के हमीरपुर पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध गुटखा फैक्ट्री में छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सॉस टीम के सहयोग से 3 गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया, जिसमें 3 गुटखा बनाने वाली मशीन समेत 1 लोग को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही 80 बोरा अवैध गुटखा जो लगभग 5 लाख का बताया जा रहा है, एसपी ने पुलिस की टीम पुरस्कारित करके सम्मानित किया। हमीरपुर से एबीएन समाचार के लिए संदीप कुमार निषाद की रिपोर्ट। देखिए, कल ये मुस्करा थाना क्षेत्र में रोरी मोहाल जगह है, वहाँ एक गुटखा फैक्ट्री को स्वाट टीम के द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें करीब 80 जो बोरे हैं उसमें तैयार माल मिला है और बाकी रॉ मटेरियल वहाँ पे बहुत मिला है। तो करीब कुल मिला के 5 लाख के आसपास का इसमें सामान मिला है और 3 गुटखा बनाने की जो मशीन है वो वहाँ पर मिली है। इन जो फैक्ट्रियाँ हैं इनमें गुटखा बनाने की इनको कोई परमिशन नहीं है और गुटखे में ये तम्बाकू का मिक्सचर डाल के और फिर उसको एक तरीके से वो नाम पान मसाला के नाम से होता है और गुटखा बना के बेचते हैं। तो ये इलीगल कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही थी, इसको पकड़ा गया है। इसमें जो अभियुक्त है वो उमेश सनोप अखिलेश गुप्ता है, जो रोरी मॉल के रहने वाले हैं। इनको पकड़ के जेल भेजा जाए।